हेलो चिल्ड्रन, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर नंबर 1 इन सिविक्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑन इक्वलिटी. क्लियर? हम लोग इक्वलिटी चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसके तमाम पॉइंट्स को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया. कांता की कहानी मैंने बताया, राइट टू वोटिंग के बारे में मैंने बताया, कास्ट सिस्टम के बारे में बताया, डिग्निटी के बारे में बताया, इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बताया. ये सारे टॉपिक्स मैं आपके ले चुका हूँ, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ. अनटचबिलिटी के बारे में भी पढ़ाया था. कॉन्स्टिट्यूशन में जो 4 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16 और 17, मैंने उसको डिस्क्राइब भी किया था. आर्टिकल 18 भी हालांकि सिमिलरिटी है, लेकिन वो आपके लिए नहीं है क्योंकि वो उपाधियां हैं, वो अलग प्रकार का एक टॉपिक है. कॉन्स्टिट्यूशन का भी पढ़ाया जाएगा तो आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा इन आर्टिकल्स के बारे में. आइए आज आपके लेक्चर्स को आगे ले चलते हैं. मैंने बताया था गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन द्वारा और मिड डे मील एक प्रोग्राम, यानी अपने प्रोग्राम्स के जरिए कहीं ना कहीं इक्वलिटी को बढ़ावा दे रही है और इक्वलिटी वो सोसाइटी में लाने की कोशिश कर रही है. मिड डे मील मैंने बताया था इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मिड डे मील के ज़रिए सबसे बड़ी बात है कि हर एक इंसान को स्कूल में ही भोजन मिल जा रहा है, जिससे उसके जो माँ हैं, गरीब परिवार की जो औरतें हैं, वो बेहतर काम कर पा रही हैं वहाँ पे. नहीं तो पहले क्या था, दोपहर में आके इनको भोजन कराने की व्यवस्था, अपने बच्चे की चिंता, इन सब के वजह से वो पूरा वर्किंग आवर भी नहीं कर पाते थे. और वर्किंग आवर नहीं करने की वजह से वो पिछड़ रहे थे और एक तरह से सोसाइटी में अनइक्वलिटी की भावना आ रही थी. क्लियर? उस इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील जैसा स्कीम चलाया था. इससे क्या फ़ायदा हुआ, कम से कम बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उनका अटेंडेंस बन रहा है. अटेंडेंस बनने की वजह से वो कहीं ना कहीं पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने की वजह से निश्चित तौर पर उनकी लाइफ सिक्योर होगी, जो उनके क्या उस देश की इकोनॉमी के लिए भी सबसे बेहतर होगा. क्लियर? चाहे रिच का कोई लड़का हो या पुअर, कोई गरीब लड़का हो, कोई अमीर लड़का हो, मिड डे मील में क्या है, वो साथ बैठकर खाना खाते हैं, साथ ही बैठ के एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और इस तरह इक्वलिटी की भावना उनके अंदर आती है. और जो इनइक्वलिटी ऊंच नीच का, रिच और पुअर का है, वो कहीं ना कहीं समाप्त करने की कोशिश कर रहा है ये मिड डे मील जैसा प्रोग्राम. क्लियर? साथ ही साथ आपने बहुत कुछ टॉपिक इसमें देखा कि क्या है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है, सबको बराबरी का अधिकार दिया जा रहा है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है. गवर्नमेंट का अगर कोई जॉब आता है, कोई जॉब वो लेकर आता है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो उसमें क्या होता है, सभी को बराबरी का अधिकार है. यानी अगर हिंदूज उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो माउंटेन भी करते हैं, बौद्ध, जैन, सभी को यहाँ बराबरी का अधिकार है, तो इससे इक्वल टू अपॉर्चुनिटी आ रही है. क्लियर? तो ये जो मिड डे मील स्कीम चलाया जा रहा है, इससे कई सारे सुधार देखने को मिले. पहली बात तो अटेंडेंस हो रहा है बच्चों का, जिससे उन्हें एजुकेशन मिल रहा है. दूसरा, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है भोजन लेने की, जॉब करने की. इस सब स्कीमों से, कुछ अन्य प्रकार के स्कीमों से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी में इक्वलिटी की भावना ले आना चाह रही है. हालांकि कहा जाता है ये इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा कि गवर्नमेंट ने कहा लाओ मैं इक्वलिटी वाला सबके अंदर फीलिंग ला दूं तो वो तुरंत हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. वो धीरे धीरे ही हो पाएगा. इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है, लोगों का एटीट्यूड, बिहेव. क्लियर? आज भी जो पुरातन समय से चले आ रहे हैं, जैसा मैंने बताया था 1947 से पहले जो उच्च तबके के लोग हैं वो आराम से अपनी लाइफ जीते थे, जो निचले तबके के लोग थे वो उनकी सेवा करते थे, उनको खाना पीना, उनका हाथ पैर दबाना, यही सब उनका काम था. तो कहीं ना कहीं वो जो एटीट्यूड जनरेट हो गया लोगों में, वो एटीट्यूड इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, वो बिहेव इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, वो धीरे धीरे चेंज होगा. लेकिन इक्वलिटी को लाने के लिए इस प्रकार की चेंजिंग किया जाना अनिवार्य है, जो धीरे धीरे ही होगा. हालांकि इंडिया में अब सोसाइटी पूरी तरह जनरेट हो चुकी है, पूरी तरह जागरूक हो चुकी है. लेकिन अभी अगर मैं पिछड़े एरियाज में चले जाऊं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया कोई छोटा कंट्री तो है नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है. तमाम ऐसे गांव हैं, अभी भी ऐसे गांव हैं जहां इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है ऊंचे और निचले तबके के इंसानों को. तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है, वो हमें हर एक जगह पे पहुंचानी चाहिए. इससे क्या हो जाएगा, लोग अपने अधिकारों को जानने लगेंगे और अधिकारों को जानने की वजह से इक्वलिटी की भावना खुद सोसाइटी में एक जगह इस्टेब्लिश कर लेगी और धीरे धीरे समाज में एक इक्वलिटी आ चुकी होगी. क्लियर? ये केवल इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि ये डेमोक्रेसी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, इन सब के लिए सबसे बेहतर कदम होगा अगर इंडियन गवर्नमेंट इस प्रकार के प्रोग्राम्स के द्वारा ऐसा